सो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारा एक लफड़ा चल रहा है सुजुकी की तरफ से, सुजुकी के साथ ही, तो और वो है सागर शोरूम के साथ, सागर सुजुकी सर्विस सेंटर। और देखिए गाइस, ये रही हमारी बाइक जिसमें हमें सेकंड बाइक थी, जिसमें हमें डिफ़ॉल्ट मिला था और इसको भी हमें चेंज करके दे दिया गया था। आज हम इस वाली बाइक को भी लेके जा रहे हैं भाई अभी कस्टमर सर्विस सेंटर मायापुरी, जहाँ पर आज बुलाया हुआ है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा हेलमेट, ये रहा गोप्रो, गोप्रो को मैंने वाटरप्रूफ बना लिया। तो अभी चलते हैं ज़रा सर्विस सेंटर और देखते हैं आज बाइक के साथ क्या होता है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ ज़रा बाइक पे। सो गाइस, यहाँ हम लोग आ चुके हैं बाइक पे और ये बाइक नहीं बवासीर है, जो साली ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है इसकी परेशानियाँ। और आपको ना थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इस गोप्रो को वाटरप्रूफ बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये एक देसी जुगाड़ है भाई, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है गोप्रो को वाटरप्रूफ करने का। आप चाहे सील लगा लें, एम सील लगा लें या कुछ भी लगा लें, उससे नहीं होने वाला। तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं अब हम। अभी तो साउंड सही है, लेकिन जब ये चलने लग जाएगी उसके बाद आप साउंड देखिएगा। देखो ये परफेक्ट साउंड आ रही है बाइक में, जो भी साउंड सुनाई दे रही है ना आपको, ये परफेक्ट है साउंड। इस साउंड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जैसे मैं इसको कुछ थोड़ी देर तक चलाऊंगा ना, एकदम ये साउंड ना ट्रैक्टर में बदल जाएगी भाई। अभी बिल्कुल नहीं आ रही है, देखिए कितनी साइलेंट चल रही है बाइक, आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। अब मैं अपने घर से चलाऊं सिर्फ आधा किलोमीटर और अब मैं आपको बाइक के साउंड सुनाता हूं। ये देखिए, आपको एक बीच में नॉकिंग की साउंड सुनाई दे रही होगी, जो अब इसमें आने लग गई है। स्टार्टिंग के 100-200 मीटर एकदम सही रहेगी, लेकिन जैसे आप इसको चलाने लग जाओगे ना, और एक इशू क्या रहता है, जैसे मैं जब तक रेस दे रहा हूँ साउंड नहीं आ रही है, और जब मैं इसकी रेस नीचे करता हूँ, थ्रॉटल को मैं छोड़ता हूँ ना, तो इसमें से साउंड कड़कड़ और तेज़ होने लग जाती है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, देखो। अब ये देखना, मैंने अभी क्लच नहीं पकड़ा हुआ है, ये देख रहे हो गाइस, आपको हल्की सी कट 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 की आवाज़ आ रही होगी। और अभी मेरा वाइज़र बंद है, तब मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं अपना वाइज़र खोल लूँगा तब तो मेरे को और ज़्यादा सुनाई देगी। और बाकी बात करें ना बाइक की, बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, बाइक बहुत ही बढ़िया बाइक है भाई। अगर आप इस वी स्ट्रॉम के सेगमेंट में, अगर आप सुजुकी को वी स्ट्रॉम लेना चाह रहे हो ना, तो भाई आप आँख बंद करके ले सकते हो, लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, आप बस ये चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो आपको भी ये डिफ़ॉल्ट वाली बाइक मिल जाए, बस ये चीज़ें आप चेक करके लेना। तो अभी फ़िलहाल क्या सीन है, अभी मैं अपने दोस्त को ले रहा हूँ और यहाँ से हम चलेंगे सुजुकी मायापुरी, जहाँ पर आज उन्होंने मेरे को बुलाया मीटिंग के लिए। और देख रहे हो भाई परेशानी की क्या चीज़ है, बारिश हो रही है, बारिश में मुझे जाना पड़ रहा है। अभी तो रुक गई है, लेकिन रास्ते में ज़रूर मिलेगी बारिश। फ़िलहाल मैं अपने दोस्त को उठा लेता हूँ। एक बार ही ना मैं आपको साउंड फिर से सुनाता हूँ, देखो। देखा आपने, इसमें से एक कड़ 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 की साउंड आ रही है, देखोगे कैसे, आप तो सुनोगे यार सिर्फ। हेलो, मैं ये पंजाबी बाग से लेफ्ट लिया, पंजाबी स्वीट से मैंने, हाँ। और दूसरी चीज़, तुम्हारा टॉप बॉक्स कहाँ है? हाँ, इसको ले लेना। अरे वो लैपटॉप भी लिख के चलूँगा ना, लैपटॉप और हार्ड डिस्क। हाँ, मैंने पहला कट आ गया, पहला कट छोड़ दूँ? ये लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, सेक्टर 11 ब्लॉक ए ब्लॉक डी ब्लॉक। सो यहाँ से अभी मैंने ले लिया डोरेमोन द राइडर को। तो भाई मेन बात है, तुम भोग लो, ये टीम भी साथ चल रही है, तुम भी चलोगे क्या? मेन बात ये है भाई, देखो देखो चलते हुए भाई तुम भी साउंड नोटिस कर लेना। अब जब उतरेंगे ना तो मुझे साउंड बताना कि तुम्हें आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं और आप लोगों से मैं बाइक पे मिलता हूँ। और देखिए वाटरप्रूफ का जुगाड़ ये है, आप ये एक पन्नी ले सकते हैं और इसको ऊपर चढ़ा लीजिए, अपना बन गया गोप्रो वाटरप्रूफ, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और बड़ी। और अभी यहाँ से जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों से बाइक पे मिलते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है 27 मिनट पहुँचने में,
और ये दिल्ली का जाम तो आप सब लोगों को पता है भाई, मिल जाता है। जाम से बढ़िया तो हमारी सुजुकी ने ले रखी है सवास वीस्ट्रोम, तो उससे यही उम्मीद थी मेरे को। और वहाँ हेलो छोटू, ओए छोटू सुने ना। और वहाँ जाने के बाद देखते हैं भाई कि वहाँ जाके क्या निकलता है, क्या डिसीजन होता है, क्या बात होती है। कोशिश ये करेंगे कि सारी बातें हम कैमरे पे करेंगे, ऑन कैमरा मैं आपको भी, हाँ यहाँ पे भाई जाम की वजह से है, कोशिश ये करेंगे कि सारी बातें ऑन कैमरा करेंगे, आपको भी मैं बताऊँगा कि हमारी क्या डिस्कशन हुई है, क्या हमारा एक आखिरी सॉल्यूशन निकला है। गाइस ये देखिए दिल्ली में कितना पानी भरा हुआ है। वो तो फंस गए भाई। क्या कर रहा है? ढंग में बोल, साला थूथरी पे मारूंगा, बोले क्या? हट गया, एक मिनट। अबे बाइक बंद हो रही है, रेस भी ना दूं, बाइक किसलिए बंद हो रही है? अरे तो गाली कैसे दे रहे है? अरे गाली कैसे दे रहे है? थूथरी पे मारूंगा, गाली दे रहा तो साढ़े गाली दिया तभी बोल रहा हूँ। गाली मत ना दे, साढ़े गाली दे। भरा पड़ा है वो भी पानी की वजह से। भाई साहब मेरे को पहुंचने दो, अभी यहाँ से 15 मिनट दिखा रहा है सुजुकी के सर्विस सेंटर पहुंचने में। भाई आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है डोरेमोन। अरे पागल है क्या तू, बैठा रहे मेरे साथ? हाँ बाइक चढ़ा देता हूँ फुटपाथ पे, ये ले। भाई साहब अभी हमने अपनी बाइक यार ऊपर चढ़ा दी है, ऊपर चढ़ा के ही निकालनी पड़ेगी, नीचे तो पूरा पानी भरा हुआ है। चलो भाई लैंडस्लाइड हो गई है, देखो लैंडस्लाइड हो रखी है इधर तो। भाई एक चीज है, जिंदगी बाइक जितनी बैंड बजाए लेकिन बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। ये देख भाई यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग। ये गाड़ी वाले ने अड़ा दी, नहीं तो मैं तो। दिल्ली में रह के ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहाड़ों पे चला रहा हूँ। ले सकता हूँ भाई सच्ची में। हमारे पास ना अभी सुजुकी शोरूम से, सागर सुजुकी से ना कॉल आ रहे हैं, तो फिलहाल हम जल्दी पहुँच जाते हैं। हालांकि ना देखिए अभी बाइक को मैं इतनी तेज चला रहा हूँ तो अब आपको शायद साउंड पता लग रही हो, नहीं लग रही होगी, मेरे को तो मेरा हेलमेट का वाइजर बंद है तो नहीं पता लग रही है अभी। और अभी वहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या डिस्कशन होती है, और अगर मेरे को दूसरी बाइक देते हैं तो मैं दूसरी बाइक ज़रूर प्रेफर करूँगा, और अगर नहीं देते हैं और बोलते हैं कि इसमें साउंड नहीं है तो हम कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेंगे, लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। सागर सुजुकी पे यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है, मैं यहाँ नहीं आया मैं पहले भाई। बस यहीं कहीं है, सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखो भाई इन्होंने एक ब्लैक कलर की सुजुकी ये वीस्ट्रोम मंगा भी रखी है भाई, एक ब्लैक नहीं ये तो टेस्ट राइड वाली है, इसको मैंने पहले देखा है। हाँ चलो सो गाइस हम लोग, मैं उतरता हूँ पहले। फाइनली ना हम लोग पहुंच चुके हैं और आज देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन होती है, वो निकाल लेना भाई डिस्कशन होती है क्या सोल्यूशन होता है सब देखते हैं। लैपटॉप निकाल लो, लैपटॉप और हार्ड डिस्क
पहले इनकी गलतियां भी तो दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या करा है। सो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सागर सुजुकी और ये दूसरा सर्विस सेंटर है। कंपनी वालों ने आज हमें दूसरे सर्विस सेंटर पे बुलाया और ये देखिए जो हमें ये तो कोई नहीं है, तो रख दो, वाटर प्रूफ करने के लिए रख दिया था। ये वाली टेस्ट राइड के लिए आई थी लास्ट टाइम पे बाइक, वो अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। और ये रही हमारी सुजुकी जिसमें से नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या डिस्कशन होती है, क्या सोल्यूशन निकलता है और आपको आने वाले पार्ट में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। चलो भाई आओ। अब ये जो साउंड आ रही है ये कंपनी की नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ तो खाली जगह ही नहीं है कहीं। सो यार अभी हम आ चुके हैं मेरी बाइक पे टेस्ट लेने के लिए। ना 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 ना, मेरा कैमरा ऑन है ना, अब तो बाहर हैं हम। बाहर तो कैमरा ऑन रख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ तो कोई कहाँ लूँ इधर। मेरे को अभी भी आ रही है चलते हुए नॉकिंग। हाँ नॉकिंग है। क्या चीज नॉकिंग? हाँ हाँ अच्छा। अब ये सुनो सर, अभी और भी सुनवाता हूँ आपको, रो खाली जगह नहीं मिल रही ना, मैं आपको पूरी साउंड सुनवाऊँ। आप सुनो सर, आप वही बात है ना, अब आप लोग मानोगे ही नहीं। हाँ नहीं तो यहाँ कहीं पे सेम डिस्टेंस चलाया, सेम तरीके चलाया, तो आपको देखकर अब ये साउंड सुनो। एक तो नॉकिंग की आप कहते हैं कि ये पहले ही आती है, लेकिन ये नॉकिंग साउंड अप डाउन कैसे हो रही है ये देखो। अभी एक मिनट रुको, मैं अपने दोनों हाथ हटाऊंगा यहाँ से, कहीं आपको लगेगी मैं क्लच पकड़ रखा है। मैं अभी दोनों हाथ भी हटाता हूँ अपने। नहीं नहीं हाथ नहीं छोड़ना। नहीं नहीं मैं यूँ ऊपर करूँगा, यूँ ऊपर करूँगा। देखो नॉर्मल साउंड तो ये होती है बाइक की आइडियल कंडीशन। हाँ और अब अभी अभी दिखाता हूँ, जैसे ये चलने लग जाएगी तो कट 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 आ रही है। रुको अब ये देखो मेरे दोनों हाथ हटे हुए। अब ये सुनो, से नीचे जाएगा तो साउंड तो चेंज होगा ना। अरे साउंड चेंज होगा लेकिन नॉकिंग साउंड तो नहीं आएगा ना। अरे नॉकिंग रहती है जो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इंजन कंटिन्यू चलता है, आप कपड़े मत करो राइट, इंजन कंटिन्यू मूवमेंट में ऑल द पावर वहां तक नहीं जा रहा है। आप उस साउंड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फिर जो पुरानी वाली बाइक थी उसमें क्या इशू था? कौन सी पुरानी वाली बाइक? अब ये देखो सुनो, मेरे दोनों हाथ हटे हुए, आप सुनो। आप ये जो नॉकिंग की साउंड आ रही है, जाना कहाँ पे है हमें? सीधा एक मिनट। अब थोड़ा सा आप आगे की तरफ देखो जरा, ये सुनो। और चलाता हूँ अभी, और सुनाता हूँ आपको, सारी साउंडें सुनाऊंगा। पीछे जो बैठे हुए मेरे जो सुजुकी से आए हैं, मैंने इनको साउंड तो चेक कराई है, लेकिन इनका भी क्या कहना है कि अगर आप रेस देंगे और आरपीएम नीचे जाएगा तो साउंड आपका आएगा ही। लेकिन मेरा ये इशू नहीं है कि साउंड आएगा ही, साउंड आ रहा है लेकिन कितना बढ़ के आ रहा है आप लोग ये देखिए। अब वो आगे डिस्कशन देखते हैं कि हाँ आगे देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी जा रहे हैं वापस हम शोरूम पे।
ये साउंड देखिए आप, ये दूसरी बाइक में क्यों नहीं आ रही है? साथ में खड़ी है ना, उसको ट्राई कर रहा हूं। जैसे बुलबुले फूट रहे हैं दोनों में, टारगेट किया हमने कर दिया है ना। अब ये साउंड की बात कर रहा हूँ मैं जो ये आ रही है। अभी रुको, रेस दूंगा तब, अब तब दिखाता हूँ ये वाली। और मैं ऑलरेडी वो बाइक को मैं चेक कर चुका हूँ, मैंने उस दिन भी इसी बात को बोलता कि इस बाइक में नहीं आ रही है। जो आप ब्लैक वाली चेक कर रहे हैं, मैंने उसमें मना भी करा था कि उसमें नहीं है। मैं आपको उस बाइक की भी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें साउंड नहीं आ रही है। वो जो टेस्ट राइड वाली है, मैं ऑलरेडी उसको टेस्ट कर चुका हूँ, उस बाइक में नहीं थी। हाँ, ब्लैक वाली को ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ सैटरडे वाले दिन, जो इसमें साउंड नहीं थी। और जो इसमें साउंड आ रही है वो अलग आ रही है, उसमें तो है ही नहीं साउंड। और आप बुलेट चलाते हैं, बुलेट में तो इससे ज़्यादा होती है। हाँ, ये स्मूथ है, रिफाइन है, मैं तो उस चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं साउंड के लिए मैं अभी भी डिसएग्री हूँ। सो गाइस, अभी क्या सीन है, देखिए ये है हमारी दूसरी नई बाइक, लेकिन अब क्या होगा, ये वाली बाइक भी हमारी जा रही है। और एक हमें ऑफर हमारे पास क्या है कि आप अपना रिफंड ले लीजिए या दूसरी बाइक लीजिए। तो आप लोग मेरे को ना कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अपना रिफंड ले लूँ या दूसरी वी स्ट्रॉम ले लूँ, जो अभी नहीं आएगी, दूसरी वाली वी स्ट्रॉम ले लूँ। और अगर दूसरी बाइक लेता हूँ तो कौन सी बाइक लूँ। तो सुजुकी से हमें थोड़ा ये तो सपोर्ट मिल रहा है कि वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें बाइक भी दे रहे हैं, रिफंड भी दे रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है कि मैं क्या लूँ। अब मेरे को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा भाई, थैंक यू सो मच। जिस जिसने भाई मेरी वीडियो देखी, शेयर करी, मैं आप लोगों का इतना, मतलब कैसे बताऊँ भाई, कि मैं आपका ना बहुत भाई थैंक्स करूँगा भाई, कि भाई आप लोगों ने अब मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचाई है, कैसे किसको शेयर करा है, क्या करा है, मैं मतलब मैं बता नहीं सकता। तो ये सब आप लोगों की वजह से कि मेरे को मेरा रिफंड मिल रहा है, मेरे को मेरी नई बाइक मिल रही है। अब देखते हैं आगे का स्टेप क्या रहेगा, मैं क्या करता हूँ। आप अगर कोई बाइक बताना चाहते हैं कि मैं ये बाइक ले लूँ, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। सो यहाँ पे हमारी मीटर की फ़ोटो हो गई है, चेसी नंबर नोट कर लिया है। ये हैंडल पर क्रैक है क्या? नहीं, वो था, मिट्टी जमी हुई थी। हाँ, क्रैक नहीं है, मिट्टी जमी हुई थी, लंबा मैटर खींच गया ना, है ना। आपकी तरफ नहीं कर रहा, अपनी तरफ ही कर रहा, पहले ही मैटर होगा ऐसा, जो लंबा खींचा ऐसा। कोई नहीं, होता है भाई, हमें कोई पता था हमारी किस्मत खराब निकलेगी। और वैसे ना मैं आपको वीस्ट्रॉम में एक चीज और बताऊंगा, ये देखिए बाइक में कितनी जल्दी जंग लग गया है। मैंने इस पे चेन लूप भी मारा हुआ है वी सेफ कंपनी का, लेकिन इसके बाद फिर भी जंग लग गया है। और ये हो सकता है, चलो इसमें पानी जा रहा है, इस वजह से लग गया होगा। सो हमने ना अपनी पुरानी वाली बाइक से सामान उतार लिया सारा। और ये देखो, ये पड़ा, ये रहा, ये रही टॉप बॉक्स प्लेट, और बाइक है अंदर, बाइक देखो वो खड़ी बाइक। तो अभी क्या है ना, अब हमारा रिफ़ंड हो जाएगा शाम तक, उन्होंने बोला कि शाम को आपका रिफ़ंड कर देंगे, आप बाइक छोड़ दीजिए, हम रिफ़ंड ही ले लेते हैं। हम किसी और सेगमेंट में देखेंगे या सुजुकी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। और मैंने ना ये बटन भी खोल दिया, और तो अब क्या ही बोला जाए, ये सारी चीज़ें आप सबको पता ही हैं, स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ था, दो बाइक रिप्लेस हुई, तीसरी बारी में हमने अपना रिफ़ंड ही ले लिया। तो अभी ज़रा हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, आए थे बाइक पर, अब जाएगी ऑटो से, ऑटो आ जाए फिर हम चलते हैं। ज़रा आप लोगों को मैं ऑटो में मिलता हूँ। चलो भाई, ऑटो आ गया। अरे भाई, चलें भैया, चलें, क्या हुआ, कोई सामान नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो, सामान नहीं है कुछ? अरे नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। पहले आया था ना एक बंदा, हाँ, एक कह रहा सामान तो नहीं है, मैंने बोला हमारा एक छोटा बक्सा है, वो चला गया। भाई देखो, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि भाई सोशल मीडिया की और आपके ब्लॉग की पावर तो है, क्योंकि हाई सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल प्रॉब्लम के लिए जाता हूँ ना कंपनी में, बोला हालांकि अलग बात है मेरी कंपनी अलग है, तो वहाँ पे भी इतनी जल्दी एंटरटेन नहीं करते। और दूसरी बात, बंदे भी अच्छे हैं, अब अच्छे क्यों हैं वो जाने भाई, कि भैया वो आपके सोशल मीडिया की वजह से या रियलिटी में, पर दोनों केस में चाहे ओनर कितना भी अच्छा हो, बिलीव मी, लेकिन अगर आपके पास में कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन नहीं है ना, या उसे फोर्स करने का जो टॉक, वो बंदा इस नतीजे पर नहीं आता भाई। और हमारे जैसे नज़र है कितने और बंदे होंगे भाई जो इन चीज़ों से अटके हुए हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पावर एज अ कस्टमर,
जबरदस्ती का मत करो, क्योंकि कंपनी वाले हार्ड भी इसलिए होते हैं, कुछ लोग फेक कमिटमेंट करते हैं या कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने गलती कर दी लेकिन कंपनी पर ठोक दूँ, तो वो भी मत करो आप। उस वजह से भाई हम जैसे परेशान होते हैं, मतलब हाँ पावर पावर तो पता ही लगती है, पावर तो भाई बिल्कुल ये तो फैक्ट है भाई। उनका सपोर्ट भी अच्छा मिल गया बदले में, लेकिन सपोर्ट अच्छा मिला भाई, बहुत अच्छा मिला। लेकिन अगर इनिशियली कुछ नहीं स्टेप लिए जाते ना तो चीज़ें खराब हो सकती थी। सो गाइस हम लोग ना घर पहुंच गए, और पेमेंट तो भूल ही गया मैं, हाथ में ही है। लो भैया ये पानी पियोगे भैया? पानी रखा है, बोतल पानी रखा हुआ है। बाइक से गए थे, ऑटो से आए हैं, पेमेंट कटाते हैं ज़रा। काट लो भैया पैसे अपने। और डोरेमोन की बाइक पे हम अपना टॉप बॉक्स फिट हो चुका है, क्योंकि उसी में लैपटॉप रख जाएगा और मेरा छोटा मोटा सामान चला जाएगा।